स्वागत है आपका स्टडी विद मैथ पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं जो आपका आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम 2020 और 21 में होने वाला है, तो वहां पर जो आपके टॉप 5 जोन कौन से हैं और आपके टॉप 5 डेंजर जोन कौन से हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा आपके जो जोन हैं उन जोनों में पार्टिकल जो है तो कितने नंबर आप अप्लीकेशन किए गए हैं, टोटल कितने नंबर आप वैकेंसी है और वहाँ पर ओवरऑल यदि देखा जाए तो कॉम्पिटिशन कितना है। क्योंकि फ्रेंड्स, कल की डेट में मैं एक वीडियो अपलोड किया था आरआरसी ग्रुप डी के जो है तो कट ऑफ से रिलेटेड जोन बाय, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंटों ने मेरे पास कमेंट किया कि सर हमें बताइए कि हमारे जो जोन है वहाँ पर टोटल कितने फार्म फिलअप किए गए। इसलिए फ्रेंड्स, मैं आपके लिए ये वीडियो बनाए हुए हैं। फ्रेंड्स, आप उस वीडियो को नहीं देखा है उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप जाकर उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ आपके जो टॉप 5 सेफ जोन कौन है और टॉप 5 डेंजर जोन कौन है। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। यदि देखते हैं पहला जोन यदि आप देखते हैं दिल्ली में, यदि आप कंपटीशन की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा टॉप जोन है, वहाँ पर कंपटीशन है 198 का और वहाँ पर टोटल वैकेंसी आप देखते हैं 13153 जो है टोटल वैकेंसी है। कहाँ पर? आरआरसी दिल्ली में। फाइनली फ्रेंड्स, आपको भी पता होगा आपका एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों एग्जामों की डेट अलाउंस हो चुकी है और यदि आपको अब सिलेक्शन चाहिए उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपको जो है एक अच्छी टेस्ट सीरीज लगाना है। आपके एग्जाम को देखते हुए परीक्षा ऐप के द्वारा आपके लिए जो है तो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जा रही मात्र 278 रुपये में। लेकिन खुशी की बात तो ये है कि आपको 278 रुपये पे नहीं करना पड़ेगा। यदि आप दिया हुआ कोड STDM50 जो है तो कोड आप यूज करते हैं तो आपको जो है ये टेस्ट सीरीज मात्र 139 रुपए में आपको मिल जाएगी। इसलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए इस टेस्ट सीरीज को आप जरूर ले लें। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परीक्षा ऐप का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप परीक्षा ऐप डाउनलोड कर लेंगे, रेलवे कैटेगरी चूज करेंगे और वहां पर कोड आपको आएगा, कोड लगाना है STDM50 और ये जैसे ही कोड लगाएंगे आपको ये टेस्ट सीरीज मात्र 139 रुपए में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, यदि आप अभी तक कोई टेस्ट सीरीज नहीं लिए तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि बिना टेस्ट लगाए किसी का सिलेक्शन होना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी इक्वेरेंसी बढ़ेगी और उतना ही ज़्यादा आपको सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी। और यहाँ पर फार्म फिलअप की बात करते हैं आप 26,07,934। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं दिल्ली में जो है तो कितना ज़्यादा अप्लीकेशन अप्लाई किया गया है। इसके अलावा यदि आप नेक्स्ट जोन देखते हैं, नेक्स्ट जोन है कोलकाता। कोलकाता भी काफ़ी अच्छा है और कोलकाता में आप देख सकते हैं कोलकाता में दो जोन है, एक ईस्टर्न रेलवे है और एक वेस्टर्न रेलवे। ये कौन सा ईस्टर्न रेलवे का है? यहाँ पर 11,66,074 जो है यहाँ पर जो है फॉर्म फिलअप टोटल किए गए हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं 10,837 है। यदि ओवरऑल कंपटीशन देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं, कंपटीशन केवल 107 है। क्योंकि फ्रेंड्स, अक्सर देखा गया कि जो बड़ी सिटी होते हैं वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अप्लीकेशन आते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं, लेकिन इस बार जो आरआरसी ग्रुप डी में हुआ है बिल्कुल इसके विपरीत हुआ है, क्योंकि जो बड़ी सिटी हैं जैसे मुंबई हो, कोलकाता हो या फिर चेन्नई हो, सिकंदराबाद हो, वहाँ पर फ्रेंड्स जो है तो ओवरऑल कंपटीशन बहुत ही कम है, वही आपके लिए सेफ जोन भी हो सकते हैं। नेक्स्ट जोन की यदि आप बात करते हैं तो नेक्स्ट जोन है आपके सामने मुंबई। यदि मुंबई की आप बात करते हैं तो मुंबई यहाँ पर कितने हैं, एक फ्रेंड्स यहाँ पर एक लाइन ज़्यादा है, 9,29,980 यहाँ पर जो है तो फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। टोटल वैकेंसी की बात करते हैं 10,734 है और यहाँ पर कंपटीशन की बात करते हैं तो ओवरऑल कंपटीशन है 92 स्टूडेंट पर सीट यहाँ पर कंपटीशन है। कहाँ पर? मुंबई वेस्टर्न रेलवे। तो फ्रेंड्स, आपके लिए मुंबई जो है तो काफ़ी अच्छा जोन हो सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि आप बात करते हैं चेन्नई की, चेन्नई में यदि ओवरऑल देखा जाए तो कंपटीशन के लिए जो फॉर्म अप्लाई किए गए हैं 9,04,592 और यहाँ पर टोटल वैकेंसी अच्छी खासी है 9,579 और यहाँ पर ओवरऑल यदि आप कंपटीशन की बात करते हैं 94 यहाँ पर ओवरऑल कंपटीशन है। फ्रेंड्स, आपके सामने नेक्स्ट जोन है सिकंदराबाद। यह सिकंदराबाद में आप फार्म अप्लाई की बात करते हैं 6,73,828 यहाँ पर जो टोटल फार्म अप्लाई किए गए हैं और यहाँ पर यदि आप बात करते हैं यहाँ पर टोटल वैकेंसी, ये फ्रेंड्स यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, टोटल वैकेंसी यहाँ पर 9,300 है जो कि सिकंदराबाद में, और ओवरऑल कंपटीशन फ्रेंड्स इससे ज़्यादा बन जाएगा। अब आप उसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं सिकंदराबाद। अब नेक्स्ट जोन की यदि आप बात करते हैं तो नेक्स्ट जोन आपके लिए है
यहाँ पर हुबली, हुबली फ्रेंड्स क्या है, हुबली काफ़ी अच्छा जोन माना जाता है, हुबली से काफ़ी अच्छे फार्म अप्लाई किए जाते हैं, इसलिए आपके लिए जो यदि हुबली की बात की जाए तो भी काफ़ी अच्छा सिटी है। और यहाँ पर देखा जाए तो यदि फार्म अप्लाई की 6,73,828 यहाँ पर जो है तो फार्म अप्लाई किए गए और टोटल यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी है 7,167। और यदि यहाँ पर टोटल आप देखते हैं कंपटीशन, तो कंपटीशन यदि हुबली की आप बात करते हैं तो हुबली में कंपटीशन है 94 का। तो फ्रेंड्स आप जो है तो यहाँ पर लगातार आप देख रहे हैं कि आपके कौन से जोन, फ्रेंड्स यदि आपको लगता है कि आपके यहाँ के एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप अपने अकॉर्डिंग भी बता सकते हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना। और फ्रेंड्स आप ये कमेंट करके बताना कि आपका जो जोन है वो रेड जोन में आता है या फिर ग्रीन जोन में आता है या फिर आपने कौन से जोन में फार्म अप्लाई किया है। और फ्रेंड्स यदि आपको जो जोन वाइज व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप एनटीपीसी और ग्रुप डी के जोन वाइज व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। नेक्स्ट जोन आपके सामने है जयपुर, जयपुर में काफ़ी अच्छा जोन माना जाता है। यहाँ पर देखेंगे तो ओवरऑल कंपटीशन 181 का है और यहाँ पर जो वैकेंसी है 5,249 है। यहाँ पर जो है तो यदि नंबर आप एप्लीकेशन देखते हैं 9,53,767 है, क्योंकि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जयपुर में जो है तो काफ़ी अच्छा कंपटीशन है 181 का। ये भी यदि आपने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किए तो आपको थोड़ा स्टडी करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट जोन आपका है कोलकाता, यदि कोलकाता की आप बात करते हैं यहाँ पर आप देखेंगे कोलकाता ईस्टर्न रेलवे, इसके पहले फ्रेंड्स मैं जो बताया था कोलकाता वेस्टर्न रेलवे का बताया था, यहाँ पर मैं कोलकाता ईस्टर्न रेलवे का बता रहा हूँ। कोलकाता ईस्टर्न रेलवे में यदि आप देखते हैं तो 4,94,338 जो है तो यहाँ पर टोटल नंबर आप एप्लीकेशन किए गए हैं और वैकेंसी ज़्यादा नहीं है फ्रेंड, 4,914 यहाँ पर वैकेंसी है। ओवरऑल कंपटीशन केवल यहाँ पर 100 का है। इसके अलावा फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आपके सामने काफ़ी अच्छा जोन इलाहाबाद, इलाहाबाद फ्रेंड्स बहुत ही टफ जोन में आता है। इलाहाबाद में अक्सर बहुत ही जो है तो आपका कंपटीशन काफ़ी हाई रहता है, चाहे वो आप एनटीपीसी का देखें या फिर ग्रुप डी का देखें या फिर रेलवे एग्जाम से रिलेटेड कोई भी हो, क्योंकि यहाँ पर जो फाइट करने वाले यूपी के, बिहार के और मध्य प्रदेश, इन तीन स्टेट से जो है तो स्टूडेंट फाइट करते हैं और यहाँ का अक्सर हमेशा कट ऑफ जो है तो बहुत ही हाई कर देते हैं। तब इलाहाबाद में यदि आप देख सकते हैं तो यहाँ पर टोटल जो है तो यहाँ पर 194 का कंपटीशन है, यहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा नहीं है, 4,730 है और 9,18,342 यहाँ पर जो है तो नंबर आप एप्लीकेशन किए गए हैं। तो फ्रेंड्स यदि आपने इलाहाबाद में अपना फॉर्म अप्लाई किया है तो आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपने इलाहाबाद के लिए फॉर्म अप्लाई किया है। इसके अलावा फ्रेंड्स ये पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत आने वाला जबलपुर है और जबलपुर में यदि आप बात करते हैं तो 5,31,668 जो है तो यहाँ पर नंबर आप एप्लीकेशन किए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर यदि वैकेंसी देखते हैं तो 4,019 है और यहाँ पर ओवरऑल कंपटीशन 131 है। और यदि मध्य प्रदेश में आरआरबी की बात की जाए तो आरआरबी में भोपाल को लिया जाता है। फ्रेंड्स बहुत से स्टूडेंट कमेंट करके ये पूछते हैं कि सर आपने इस जोन का नहीं बताया, तो फ्रेंड्स आपको एक बात मैं क्लियर करा दूं, ये आरआरबी एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी में कुछ जोन है जो अलग अलग हैं और कुछ जोन सेम है, इसलिए आप कमेंट बिल्कुल ऐसा मत करना कि आपने इस जोन का नहीं बताया, आपने इस जोन का नहीं बताया है। फ्रेंड्स नेक्स्ट जोन है आपका गोरखपुर, यदि गोरखपुर की बात करते हैं तो गोरखपुर में यदि एप्लीकेशन कितने किए गए हैं, 6,24,849 और यहाँ पर वैकेंसी है 4,000 और यहाँ पर टोटल आप कंपटीशन देखे 156 का है। फ्रेंड्स गोरखपुर में अक्सर कंपटीशन ज़्यादा आता है क्योंकि यहाँ पर यूपी, बिहार और एमपी के भी काफ़ी स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, इसके अलावा यहाँ पर जो कुछ उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के भी स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। आपने कौन से जो है स्टेट से बिलोंग करते हैं, गोरखपुर से आपने फॉर्म अप्लाई किया था वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हाजीपुर की यदि आप बात करते हैं, हाजीपुर में यदि आप यहाँ पर देख सकते हैं नंबर आप जो है तो एप्लीकेशन किए गए 76,380 और टोटल यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वैकेंसी है 3,562 वैकेंसी है और ओवरऑल कंपटीशन की बात करते हैं तो 161। यदि हाजीपुर में आप कंपटीशन देखते हैं तो काफ़ी अच्छा कंपटीशन है, 161 कंपटीशन कहाँ पर है, हाजीपुर। इसके अलावा नेक्स्ट जोन है आपका पूर्वी तटीय रेलवे भुवनेश्वर, यदि भुवनेश्वर में आप देखते हैं नंबर आप एप्लीकेशन 3,19,218 नंबर आप एप्लीकेशन किए गए हैं और 2,555 यहाँ पर वैकेंसी है और टोटल यहाँ पर ये ओवरऑल कंपटीशन देखते हैं 124 का यहाँ पर कंपटीशन है। और बिलासपुर जोन की यदि आप बात करते हैं तो यहाँ पर बिलासपुर जोन में
2,78,615 जो है अप्लीकेशन किए गए हैं और टोटल यहाँ पर वैकेंसी 1,664 है और यहाँ पर कंपटीशन यदि आप देखते हैं 167 है। फ्रेंड्स यहाँ पर जितने भी जोन थे मैंने पार्टिकल उन सभी जोनों को आपको बता दिया कुछ जोन में जो है कितने नंबर आप अप्लीकेशन किए गए हैं और वहाँ पर ओवरऑल कंपटीशन कितना है और वहाँ पर वैकेंसी कितना है। और यदि आपको देखना है कि जो आपके किस जोन में कितने जो है तो कट ऑफ जाएगी उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स मैं आपको बता दें तो आपके जो टॉप 5 सेफ जोन कौन कौन से हैं और आपके लिए टॉप 5 डेंजर जोन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपके बताऊँगा आपके लिए जो टॉप 5 आपके लिए सेफ जोन कौन कौन से हैं। सेफ जोन की यदि बात करते हैं तो आपके लिए मुंबई वेस्टर्न रेलवे हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 10,734 वैकेंसी है और ओवरऑल कंपटीशन यहाँ पर केवल 92 है। इसके अलावा चेन्नई भी आप देख सकते हैं, चेन्नई में आपके 94 का क्या है कंपटीशन है। इसके अलावा यदि वो सिकंदराबाद की भी बात करेंगे तो सिकंदराबाद में भी आपके लिए काफ़ी अच्छा सेफ जोन माना जा सकता है क्योंकि यहाँ पर 9,300 के आसपास वैकेंसी है, क्योंकि मैं आपको बताया था यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक कारण मैंने 7,167 किया हूँ, यहाँ पर जो है तो ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा सेफ जोन हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स आपके लिए यहाँ पर हुबली की बात करते हैं तो हुबली भी आपके लिए सेफ जोन माना जाएगा। और नेक्स्ट जोन की आप बात करते हैं तो नेक्स्ट जोन आपके लिए यहाँ पर कोलकाता है, कोलकाता वेस्टर्न रेलवे ये जो है तो आपके लिए सेफ जोन माना जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपके लिए ये जो है टॉप 5 सेफ जोन मैंने बता दिया। फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ आपके लिए टॉप 5 जो डेंजर जोन है वो कौन से हैं। यदि आपने उन जोनों से फॉर्म अप्लाई किया है तो आपको अपनी प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छे लेवल पर करना होगा, नहीं तो आपको हो सकता है कि मेरिट से आप बाहर ना हो जाए। तो उसमें दिल्ली है सबसे ज़्यादा वैकेंसी, सबसे ज़्यादा अप्लीकेशन और सबसे ज़्यादा कॉम्पटिशन, यहाँ पर 198 का कॉम्पटिशन आप देख सकते हैं। इसके बाद यदि आप सेकंड नंबर पर देखते हैं तो सेकंड नंबर पर आपका आता है इलाहाबाद। इलाहाबाद में यदि आप देखते हैं 194 का कंपटीशन है, 4,730 वैकेंसी, 9,18,342 एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। और थर्ड नंबर पर यदि आप बात करते हैं तो आपको मैं बताया था जयपुर, जयपुर पर आप देख सकते हैं 181 के कंपटीशन, 5,249 वैकेंसी, 9,53,767 यहाँ पर जो है नंबर आप एप्लीकेशन। इसके बाद आपको फोर्थ नंबर पर यदि आप फ्रेंड्स से बात करते हैं फोर्थ नंबर पर आपके सामने आ जाएगा बिलासपुर। बिलासपुर में यदि आप बात करेंगे तो देख सकते हैं बिलासपुर में 167 कंपटीशन, 1,664 वैकेंसी, 2,78,618 नंबर आप एप्लीकेशन। और इसके अलावा फ्रेंड्स आप नेक्स्ट जोन देख सकते हैं हाजीपुर 161 कंपटीशन के साथ। इसके अलावा आप गोरखपुर भी देख सकते हैं, गोरखपुर भी काफ़ी अच्छा आपको कंपटीशन फाइट करवाएगा क्योंकि वहां पर 156 जो है तो नंबर आप एप्लीकेशन के हिसाब से है। फ्रेंड्स आपको जितने भी जोन थे मैं फ्रेंड्स आपको सभी जोन बता दिया हूँ, यदि आपको लगता है कोई भी जोन छूटा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं भी उसको बताने की कोशिश करूँगा। और फ्रेंड्स यदि आप यहाँ पर आए हैं इस वीडियो को पूरा देखते हैं इसे आप लेटेस्ट अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फ्रेंड्स कोई भी अपडेट हो रेलवे से रिलेटेड मैं आपको यहाँ पर पूरी अपडेट प्रोवाइड करता हूँ। फ्रेंड्स मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट अपडेट के साथ।